हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएसटी सर्कल। ओके, दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिसने पार्ट वन पढ़ चुका है वो पार्ट टू भी आराम से समझेगा, और नहीं पढ़ा है तब भी समझोगे। देखो कैसे। ओके, जैसे सपोज दिया हुआ है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये एक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। ओके, एक्स और वाई, जिससे लिखा हुआ है 4 3। तो एक्स 4 हुआ, वाई कितना हुआ, 3 हुआ। ओके, चलो देखते हैं। ये हुआ तुम्हारा x एक्सिस और ये हुआ तुम्हारा y एक्सिस। x एक्सिस और ये क्या हुआ, y एक्सिस। सर ये क्या हुआ तब? ये हुआ निगेटिव x एक्सिस, x डैश से रिप्रेजेंट किए। ये क्या हुआ, निगेटिव y एक्सिस। ओके, ये ग्राफ कैसे, आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ कैसे बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो जैसे सपोज अपने मन से पुट कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस। सर पहले किसको लिखा जाता है, पहले एक्स को लिखा जाता है, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं, -1 -2 और -3, ऐसे ही लिखना इसके, ठीक है। ओके, अब हम लोग सिर्फ एक एक करके सीखो। एक्स इजकल टू 2 का ग्राफ खींचना, सिर्फ 2। तो एक्स ये है, पहले एक्स लिखा जाता है 2, तो एक लाइन 2 से पास कर गया। सर ऐसा करो, y इजकल टू -3 करो, x पहले होता है, ये x है, ये y है, y इजकल टू -3, -3 यहाँ एक लाइन पैरेलल खींचो जो पैरेलल हो x एक्सिस के। चलो या x बराबर -3 खींचे, x इजकल टू -3, यहाँ से चला जाएगा, समझ रहे हो ना, हाँ। ओके, y इजकल टू 2 खींचो, y इजकल टू 2 खींचो, ठीक है। चलो ये एक लाइन 2 हो गया, इतना तो समझ गए। तुम लोग को एक क्वेश्चन देता है कि चलो अब 2 2 खींचो, अब दोनों खींच रहा है। ओके, सो ये एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन, x एक्सिस y एक्सिस, 2 2, x इजकल टू 2, y इजकल टू 2, x इजकल टू 2 ये वाला खींचने जाएंगे, y इजकल टू 2 ये वाला खींचने जाएंगे, और जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो हो गया 2 2। इजी है, इजी है ना। ओके, चलो एक ग्राफ खींचने बोल दिया, ये सर ऐसा करो कि -1 और 3 खींचो। चलो देखते हैं, x इजकल टू -1 यहाँ है, x इजकल टू -1, y इजकल टू 3 3 यहाँ है, हो गया। इसको मिटाते हैं, बढ़िया तरीके से सीखेंगे एक दो ग्राफ। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, कैसे करेंगे ग्राफ में करना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, 4 2, तो सबसे पहले हाइएस्ट देख लो कितना तक है। सर हाइएस्ट तो 4 है, चाहे एक्स है और वाई हो। तो हम ग्राफ को सिमेट्रिकल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सिमेट्रिकल, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। सिमेट्रिकल का मतलब ये जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। -1 -2 -3 और -4, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं, 4 2, 4 की तरह यहाँ 4, ठीक है। एक 4 एक लाइन दे दो, एकदम बेसिक समझाने ग्राफ्स का बेसिक। 2 2 की तरह भैया, सर इधर, तो ये तुम्हारा हुआ 4 और 2, हो गया, इजी है। -2 1, -2 की तरह ये -2। सर पहले x लिखा जाता है फिर 1, ये वाला हो गया। ओके, -2 1, सर 3 0। अब देखो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, तो ये अगर लाइन कराते, y इक्वल टू 0, ये 0 ही है, यानी यहाँ पर एक चीज सीखना, ध्यान सीखना, ठीक है। y इक्वल टू 0 देन ये रिप्रेजेंट्स क्या करता है, एक्स एक्सिस को कर रहा है, और अगर एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, वाई एक्सिस को। सर हमको प्रूफ चाहिए, देख लो प्रूफ, 0 तो पहले 0, 4 तो 4 यहाँ पर होगा, अब उतना नहीं करना है तुम लोग को, 0 4, एक्स इक्वल टू 0 हुआ देन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में 0 4 डालो, 3 0, वाई 0 एक्स एक्सिस पे 3 0, ओके 3 0, कोई दिक्कत है, अब आगे समझेंगे, ठीक। आज हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ्स कैसे बनाया जाता है लीनियर इक्वेशन में।
जैसे वाई इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है, एक्स जीरो रखेंगे तो 3 इंटू जीरो जीरो आएगा, अपने मन से 0 1 2 3 रख लो, 0 1 2 3 रख लिए, रख लिए भैया, ओके, जीरो रखें तो जीरो आया, 1 रखें 3 1 जा 3 आया, 2 रखें 3 2 जा 6 आया, 3 रखें 3 3 जा 9 आया, ओके, वाई इक्वल टू 3 - 2x, सर क्या करेंगे, 0 1 2 3 रखेंगे एक्स की जगह पे, ठीक है, चलो एक्स जीरो रखो तो 3 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 - 2 1 आएगा, 2 रखेंगे 3 - 4 - 1, ओके, 3 रखेंगे 2 3 6, ये तो ईजी है, समझ गए। अब उसके बाद ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलो पहला ग्राफ देखते हैं, ओके, 0 0 मतलब ओरिजिन, हाइएस्ट देखो कहाँ तक है, 9 तक है, तो सिमेट्रिकल बनाएंगे, 9 ऊपर 9 ऊपर, बगल में इधर उधर बना लिए। अब ग्राफ कैसे बनाना है, देखो भैया, 0 0 मतलब यहाँ पर 0 0 ओरिजिन ना, 1 3 तो सर पहले तो 1 बनाते हैं, एक सेकेंड, 1 बनाते हैं और 3 बनाते हैं, हम रफली बता रहे हैं, तुम लोग ग्राफ में बनाना, ठीक है, 1 3 फिर 2 6 टू सर यहाँ है और 6 तो यहाँ है, ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं, 3 9 सर 3 तो यहाँ है और 9 तो यहाँ है, ठीक है, और इस तीनों को मिला देंगे, ठीक है, चूँकि इस ग्राफ का नाम क्या है, y इज इक्वल टू 3x, और यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू 3x, ये ओरिजिन से पास करेगा, समझ में आ गया तुम लोग को, आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा देना, ईजी है। एक और ग्राफ देखते हैं हम लोग यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3 - 2x पुट किए इस पर, तो 0 3 x 0 तो कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, 0 3, ओके, अब 1 1 1 यहाँ, 1 यहाँ, यहाँ 1 1, ठीक है, अब डायरेक्ट समझेंगे, 2 - 1 2 यहाँ, ठीक है सर, नीचे तो दिए ही नहीं, -1 इसलिए कहते हैं सिमेट्रिकल, दो -1 2 - 1 सर यहाँ हो गया, ठीक है, 3 - 3 3 यहाँ और -3 यहाँ, मतलब यहाँ हो गया, ओके, लिख भी लो तो अच्छा रहेगा कोऑर्डिनेट, ये तीनों को मिला देंगे, बेहतरीन, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ग्राफ में बनाओगे तो सही रहेगा, इस ग्राफ का इक्वेशन का नाम लिखेंगे 3 = 2x + y। दो और देखते हैं ग्राफ बनाना, अब कभी दिक्कत नहीं हुआ ग्राफ बनाने में, तो दिया हुआ w = f (s), ओके, w = 5s दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक ट्रिक बताऊंगा, आराम से बनेगा, देखते हैं वो ट्रिक कैसे होगा, w = 5s, 5 w = f(d) होता है, ft, w वर्क डन, f फोर्स, एंड s डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द स्ट्रेट लाइन, ओके, डिस्टेंस कर डिस्प्लेसमेंट, वैसे मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, तो ये कैसे बनाते हैं ग्राफ, मैं इसकी बात करता हूँ कैसे बनाते हैं ग्राफ, तो समझो इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले को y मानना, क्या मानना, y, सर क्या बोले, इक्वल टू के लेफ्ट साइड को y मानना, और इक्वल टू के राइट साइड को क्या मानना, x, y इज इक्वल टू 5x, ठीक है, सर ने क्या बोला था, एक ऐसा बनाना, फिर यहाँ लिखना x, यहाँ लिखना y, यहाँ लिखना 0, यहाँ लिखना 1, यहाँ 2, यहाँ 3, चलो 0 रखे तो 0, 1 रखो, ओके, सो 5 × 1 5, 2 रखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, चलो बनाते हैं ग्राफ, ओके, सो 15 तक हाईएस्ट गया, सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ग्राफ बनाना है बहुत इजी तरीके से, ये एक्स, ये एक्स डैस, ये छोटा इसलिए लिए क्योंकि नेगेटिव बनाना ही नहीं है, वाई डैस, और ये है तुम्हारा वाई, चलो x एक्सिस में 0 1 2 3 है, तो x एक्सिस में स्केल लेंगे 1 2 3, ओके, y एक्सिस में स्केल लेंगे 5 यूनिट्स का, 5 10 15, चलो ग्राफ बनाते हैं, 0 0 तो ये हो गया 0 0, 1 5 सर 1 यहाँ, 1 यहाँ और 5 यहाँ, ठीक है, 2 10 2 यहाँ, 10 यहाँ, 3 15 3 यहाँ, 15 यहाँ, ये वाला अगर लिख दो तो और अच्छा होगा, ये सबको मिला लो, पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, मैंने लूडो का सांप घर बना दिया, स्ट्रेट लाइन होगा, बना लेना स्केल से, खींच लेना, ओके, तो ये वर्क डन, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये वर्क डन, ये सब भी ऐसे करके लिख देना, समझ में आ गया, ओके, एक क्वेश्चन ऐसे ही और देखते हैं,
ओके, फिर उसके बाद ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। जैसा कि दिया हुआ एफ इजकल टू 9C/5+32। एफ क्या होता है? फारेनहाइट। सी क्या होता है? सेल्सियस। इन कंट्रीज लाइक कनाडा एंड यूएसए टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, और इन कंट्रीज इन आवर कंट्री इंडिया ओके टेम्परेचर मेजर किस में होता है? सेल्सियस स्केल में। तो यार कैसे बनाते हैं सर? लेफ्ट जो बोले थे इक्वल टू के वो वाई मानते हैं और इसको एक्स मानते हैं। देखना कितना ईजी होगा बनाने में। ओके नहीं इजी लगा तो बोलना। ये दो डिजिट में है सर, दो डिजिट में बोले थे, एक ट्रिक बताएंगे। तो ठीक है यार, एक्स यहाँ लिख दिया, वाई हमेशा की तरह ठीक है जो है यहाँ वो तो लिखना ही होगा ना। 0, 1, 2, 3 मानते हैं सर, 0, 1, 2, 3। तो ऐसा करते हैं इसको 10, 20, 30 मान लेते हैं ठीक है। टू डिजिट में 0 रखो, 0+32। 10 रखो, 10 रखे 5, 2 जा 10, 9, 2 जा 18, 18+32 50। 20 रखे 5, 4 जा 20, 9, 4 जा 36, 36+32 68। 30 रखे 5, 6 जा 30, 9, 6 जा 54, 54+30 82 86। ओके ऐसे ऐसे एडिशन नहीं करना, तुमको पूरा लिखना होगा। ओके डोंट राइट होम। ओके तो हम लोग कैसे बनाते हैं ग्राफ? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दिया है, सिर्फ पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव वाला ले लो एक्स और ये वाई ठीक है। तो यहाँ तो लिखना ही नहीं है ठीक है। तो ऐसा करो इसे 5 का स्केल ले लो, 5 एक्स एक्सिस पे 10, 15, 20, 25, 30 और इस पे 10 का स्केल ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। 0, 32 एक्स जीरो, तो कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। देखते चलो, बहुत ईजी लगने वाला है ये ग्राफ में, इज फाइंड हो जाएगा। 10, 50, 10 ये हो गया आपका और 50 ये हो गया आपका, 10, 50 ठीक है। फिर उसके बाद 20, 68, 20 ये हो गया आपका, 60, 80 ये हो गया आपका ठीक है। और उसके 30, 86, 30 ये हो गया आपका और 86 ये हो गया आपका, आराम से खोज सकते हैं। उसके बाद ये चारों को फ्री हैंडेड आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और स्ट्रेट लाइन का नेम क्या है? एफ इज इक्वल टू 9C/5+32। इस तरह से ये ग्राफ भी आप लोगों ने सीख लिया। ओके यहाँ एक्स क्या है ये तो जरूर लिखना है यार। एक क्वेश्चन आपके लिए आईआईटी में पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वल टू होते हैं? ओके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। देखते हैं कैसे। वन वेरिएबल देखते हैं, एक नंबर लाइन देखते हैं। ओके नंबर लाइन इक्वल टू वाई इक्वल टू 3, 0, 1, 2, 3 ओके -1, -2 और -3। ये 3 है बस, वाई इक्वल टू 3 खत्म। नंबर लाइन एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स भी देगा तो यही देखेंगे, एक्स इक्वल टू दे दिया। एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ नंबर लाइन देखना है। टू वेरिएबल अभी तक तो वही पढ़ रहे थे, टू वेरिएबल, ये तो टू ही वेरिएबल था ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ओके वाई इक्वल टू 3, चलो भैया भैया वाई इक्वल टू 3 बहुत ईजी है, कुछ भी दे आराम से बनाएंगे। एक्स इक्वल टू दिया यहाँ से, ये तो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था आज की क्लास, आज का सेशन स्टार्ट हुआ था तो पहले यही बताया था मैंने। इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फिनिश होता है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो यार। ओके थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा तो बहुत मेहनत लगता है यार। सो बाय बाय।